हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने सबसे बड़ा जो टेंशन वाली बात है ना, कि ऑफिशियल नोटिस कब आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पे तो बात हम कर ही नहीं सकते कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। ये तो श्योर है, पोस्टपोन तो हो ही रहा है। और ये भी आपको पता है कि AR O का जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में हो रहा है और टाइम पर हो रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं दूसरी बात की, अगर आपको ई दृष्टि चाहिए। देखो, कल भी मैंने इसके बारे में बहुत मैंने बताया था, और बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था। लगभग 50 से ज़्यादा अभ्यर्थी जीत थे जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया था, जिसको मैंने ई दृष्टि दी थी फ्री में। Rajkumar@RajkumarChaudhary1, मैं इसका ओनर हूँ। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, और अगर आपको ई दृष्टि चाहिए, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश में हो, आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा। तो अगर आप चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर ले लेना मुझसे। अब बात करते हैं, क्योंकि हिंदी में तो आपको मिल रही है, लेकिन इंग्लिश में इतनी आसानी से मिल नहीं रही है, और टेलीग्राम पर मैं इसलिए नहीं पोस्ट कर सकता, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बात बता दी। अब हम बात करते हैं इसमें एक खबर के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिस के बारे में। देखो, कल ये लोग क्या कह रहे थे, एग्ज़ाम आपका 2 शिफ्ट में हो रहा है और 27 अक्टूबर को हो रहा है। अब ये पूरी तरीके से कन्फ्यूजन में क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पर पढ़ लेना। इस खबर को ये कह रहा है कि PCS की जो परीक्षा है, कैलेंडर में 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा तिथि और परीक्षा के प्रारूप को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज असमंजस की स्थिति बना रहे हैं, आप देख रहे हैं ना इनका काम। तो ये इनका काम चलता रहेगा, आपको इस पर भरोसा नहीं करना है। आपका काम सिर्फ एक यही है, अपना पढ़ाई करना है। RO AR O का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है, और आपका PCS का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको एक बात कहूँगा। देखो, पिछले जब आयोग में मीटिंग हुई थी, या पिछली बार कुछ दिन पहले, तो उसमें जो परीक्षा का जो जो नियंत्रक है, जिसको हम एग्ज़ाम कंट्रोलर कहते हैं इंग्लिश में, तो वो आपका मानने को बिल्कुल रेडी नहीं है कि परीक्षा आपकी दिसंबर में हो। क्योंकि वो मानने को रेडी इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका जो जिस SOP जो बनाई हुई है सरकार ने, उसी पे वो पेपर कराना चाहता है। और आयोग के चेयरमैन वगैरह ये और जो और लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि पुराने जो SOP है उसी पर पेपर करा लिया जाए। क्योंकि अगर नई SOP पर पेपर कराया गया तो एग्ज़ाम आपका 100% मार्च में पहुंचेगा, ये आप ध्यान रख लेना। आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा या दिसंबर में होगा, ये आप अगली मीटिंग में पता चलेगा। और अगली मीटिंग आपकी, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर भी आयोग के अंदर कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसके लेकर यही वजह है कि आयोग के अंदर अगली मीटिंग कभी पता नहीं चल रहा कब होगी कब नहीं होगी। लेकिन जैसे ही पता चलेगा, चाहे 2 दिन में होगी, 3 दिन में होगी, 4 दिन में होगी, तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो आपको किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा, जनवरी या फरवरी में तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुंभ है। आपने को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि इनके सारे जो टाइट जो स्थिति है वो ढीली होनी शुरू हो जाएगी जब हरियाणा का रिजल्ट आ जाएगा। और सर्वे आ चुका है, आपने देख ही लिया है, जम्मू कश्मीर का भी सर्वे आ गया है। और आपको पता है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे ना, किसी पार्टी के विरोध में है। हमारा पर्पज़ एक यही है कि हमें अभ्यर्थी और हमारे अभ्यर्थियों का भला होना चाहिए, किसी भी कीमत पर भला होना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये भी आप क्लियर कट रख लेना। मार्च में आपका जो एग्ज़ाम है वो रियलिस्ट और प्रियलिस्ट कैसे पहुँचेगा, SOP चेंज कराए बिना ही आयोग पेपर कराएगा, देख लेना आप। जहाँ तक मुझे कई सारे लोगों से बात मिल रही है, सिर्फ एक पर्सन है पूरी मीटिंग में जो इसका विरोध कर रहा है, परीक्षा नियंत्रक। थोड़ा सा हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो इसको थोड़ा कर लेना, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। तो ये मैंने आपको बात बता दी है, परीक्षा नियंत्रक अगर को मानना ही पड़ेगा, और अगर नहीं माना तो सरकार उसके कान को मैट देगी। तो ये मैं आप ध्यान रख लेना। आपका एग्ज़ाम मोस्ट पॉसिबल यही है कि आपका दिसंबर में हो जाए। तो ये मैंने आपको पूरी अपडेट बता दी है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर आपको हमसे जुड़े रहना तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद का जी, नमस्कार।